अब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करने से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अ टोटल चार्ज ऑफ 100 नैनो कूलम्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, इट्स सेंट्रल एक्सिस मीन्स ऑफ एट 5 मीटर्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ द रिंग। कंपेयर विद द रिजल्ट वेयर ऑल द चार्जेस आर एट द ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट चार्ज। चलिए देख लेते हैं। अब चूंकि ये रिंग दी हुई है शेप में, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस रिंग पर है यूनिफॉर्मली, तो ये रिंग जो है वो लाइन चार्ज जैसा कंसिडर होगा। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिंग का जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है और ओरिजिन जो है वो इस रिंग का सेंटर है। तो यही मैंने एजम्पशन लिखा हुआ है। तो मुझे अब रिंग को, जैसा मैं लाइन चार्ज बता रही हूँ, तो मुझे लाइन चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन करनी पड़ेगी। पूरे रिंग पर क्यू चार्ज अगर है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिवाइडेड बाय उसका सर्कमफेरेंस जो होगा, ये मुझे लाइन चार्ज डेंसिटी दे देगा। क्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 100 × 10⁻⁹, यानी 100 नैनोकूलम देकर रखी है, और डिवाइडेड बाय 2π रो। रो इज द रेडियस ऑफ द रिंग। अब मैं यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर रही हूँ, इसलिए रेडियस को मैं रो बोल रही हूँ, जो कि 1 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2π × 1 हो जाए। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 50 πa·m² ये अपना रो एल आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने रो की वैल्यू को 1 मीटर मेंशन किया, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक चीज और देकर रखिए कि ये जो रिंग है जिसकी रेडियस 1 मीटर है, इसके सेंट्रल एक्सिस पर 5 हाइट पर हमें वी पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू एंटायर रिंग, ये क्वेश्चन में कहा गया। तो मैं इस पॉइंट जिस पर हमें वी निकालना है, पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू रिंग, उसके पॉइंट को मैं लोकेट कर लेती हूँ। तो वो जीरो, मतलब रो इस पॉइंट के लिए जेड एक्सिस पर लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए रो जीरो रहेगा। फाइव वो प्लेन जिसमें ये फाइव और एक्चुअली हमारा चार्ज लाई कर रहा है, और पाई इसकी हाइट हो जाएगी। यहाँ पर हम सबसे पहले पूरी रिंग को एक साथ ना लेकर हम रिंग पर लाए करने वाले छोटे से चार्ज डी क्यू की बात करेंगे। और पहले डी क्यू की वजह से मैं इस पॉइंट पर, जिसे मैं सपोज पी पॉइंट बोल देती हूँ, तो डी क्यू चार्ज इस छोटे से आर्क लेंथ पर लाए कर रहा है। पूरे रिंग की लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल है, और इस आर्क की लेंथ को इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द रिंग अगर मैं ऑब्जर्व करने जाऊं तो वो रो डी फाई होगा। और रो डी फाई लेंथ पर कितना चार्ज लाए कर रहा है डी क्यू, तो रो एल को मैं डिफाइन कर सकती हूँ डी क्यू अपॉन रो डी एल से भी। और अगर मैं डी क्यू फाइंड आउट करने जाऊं तो रो एल इंटू डी एल हो जाएगा। ठीक है, रो एल डी एल को मैं रो डी फाई, यही आपका डी एल है, यही आपका डी एल है। तो डी एल की जगह मैं रो डी फाई सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ। रो की वैल्यू 1 है, तो ये अल्टीमेटली रो एल डी फाई हो जाएगा। अब इस छोटे से लेंथ पर रो डी फाई पर डी क्यू चार्ज लाए कर रहा है, तो सबसे पहले पोटेंशियल पी पॉइंट पर इस डी क्यू की वजह से निकाल लेते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि ड्यू टू डी क्यू ओवर रिंग डी वी इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। पी पॉइंट पर पोटेंशियल जो मैं मानकर चल रही हूँ डी क्यू की वजह से, वो डी वी मानकर चल रही हूँ, जो कि डी क्यू अपॉन 4π ε 0 और अंडर रूट 26 होगा, क्योंकि 26 अंडर रूट वैल्यू जो आएगी वो ये आर की है, और डी क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम द पी जो है वो अंडर रूट 26 है। अंडर रूट 26 जो है वो किस हिसाब से आया, ये 1 है और ये हाइट जो है 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट 26 आएगी। और डी क्यू यहाँ लाए कर रहा है पॉइंट पी जिस पर हमें पोटेंशियल निकालना है, यहाँ लाए कर रहा है, तो डी क्यू अपॉन 4π ε 0 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, वो अंडर रूट 26 हो जाएगा। तो डी क्यू को मैं पूरा सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ, डी क्यू को सब्सटीट्यूट कर दे रहे रो डी फाइव से, रो डी फाइव से, और रो की वैल्यू रोयल की वैल्यू ये है, तो ये पूरी सब्सटीट्यूट करते हैं। डिनोमिनेटर में 4π ε 0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻½, पूरा सॉल्व करने पर 28.09 डी फाई आएगा। तो अभी डी वी फाइंड किया है, मुझे टोटल वी चाहिए पूरे रिंग की वजह से, तो मैं डी वी का इंटीग्रेशन दोनों तरफ करूं, क्योंकि डी क्यू की वजह से डी वी है, तो पूरे रिंग की वजह से इंटीग्रेशन करने पर आएगा। तो इस टर्म का, मतलब 28.09 डी फाई का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी, तो मुझे लिमिट जो रखनी पड़ेगी वो 0 to 2π रखनी पड़ेगी, क्योंकि फाई का वेरिएशन इस रिंग के लिए 0 to 2π हो रहा है, तो वो सब्सटीट्यूट कर दें। यहाँ पर आर जो है हम सफिक्स में लगा रहे हैं, तो मैं आर ये वाला यहाँ भी लगा देती हूँ। अभी डिफाइन करती हूँ क्यों ऐसा कर रही हूँ।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 176.5 वोल्ट्स आएगा। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे लास्ट जो स्टेटमेंट है आपको कंपेयर करने को बोला हुआ है कि अगर पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर रखा हो, अभी पूरा चार्ज 100 नैनो कूलम्स का रिंग पर रखा हुआ है और आपसे कह रहे हैं कि कंपेयर करिए कि अगर पूरा का पूरा चार्ज सेंटर ऑफ द रिंग पर रखा है, मतलब 100 नैनो कूलम्स रिंग पर लाई कर रहा है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना निकलेगा पी पॉइंट पर, वो निकालना है। तो तब 100 नैनो कूलम्स सेंटर पर रखा है मतलब मैं उसे लाइन चार्ज जैसा नहीं, मैं उसे पॉइंट चार्ज जैसा कंसिडर करूंगी और पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है वो क्यू अपॉन 4π ε₀ आर होता है, जो कि मैंने यहाँ पर भी डी क्यू की वजह से dVr निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला यूटिलाइज किया। तो वही सेम फॉर्मूला लगाया तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिली वो 179.92 वोल्ट्स मिली। अब ये सेंटर पर रखे चार्ज की वजह से और ये रिंग पर रखे चार्ज की वजह से, इसे सफिक्स में आर है और सफिक्स में सी है, वही आर मैंने यहाँ रिपीट किया था। तो रिंग की वजह से जो हमें पोटेंशियल मिल रहा है वो 176.5 मिल रहा है 0.5 पर, और सेंटर पर रखे चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल मिल रहा है 179.92। तो ये इतना लगभग 3 वोल्ट्स का डिफरेंस मिल रहा है रिंग पर स्प्रेड चार्ज और सेंटर पर रखे कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज के बीच में, पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकल रहा है उसका डिफरेंस 3 है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू अ रिंग चार्ज।